गोंडा जनपद में 22-23 जुलाई की रात्रि थाना छपिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मछमरवा के निवासी रामपरण मौर्या की गले में सूजे से वार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में मृतक के लड़के विनय कुमार मौर्या पुत्र स्वर्गीय रामपरण मौर्या निकट मछमरवा थाना छपिया जनपद गोंडा के द्वारा थाना छपिया में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस अधीक्षक गोंडा जलेश कुमार पांडे के जनपद आगमन के पश्चात जनपद में घटित घटनाओं का खुलासा कर अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए विवेचना के दौरान प्रकाश में आए उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आला कत्ल सूजा बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त प्रदीप ने HS मायाराम के साथ मिलकर जमीनी रंजिश के चलते मृतक रामवरण मौर्या की हत्या करने की बात को स्वीकार किया। थाना छपिया क्षेत्र में एक रामवरण मौर्य नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। ये हत्या अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध पंजीकृत की गई थी। ये अत्यंत चुनौतीपूर्ण घटना थी जिसका खुलासा अब तक लंबित था। थाना छपिया की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया और साथ ही साथ दो अभियुक्त इसमें जो घटना में शामिल थे उन दोनों को गिरफ्तार किया। एक अभियुक्त प्रदीप है जो मृतक का भतीजा है और दूसरा उसी गांव का रहने वाला मायाराम है जो कि एक हिस्ट्री शीटर है और पूर्व में भी लूट हत्या इत्यादि मामलों में जेल जा चुका। जब घटना के पीछे के मोटिव के बारे में जानकारी की गई तो ये पता चला कि एक जमीन के बैनामे का मामला था जिसमें मृतक के पिता ने किसी एक व्यक्ति को बैनामा कर रखा था और उससे उसका विवाद चल रहा था। इसी बीच मृतक के भाई ने जिसका पुत्र ये आरोपी है उसने इसके दूसरा बैनामा एक व्यक्ति को कर दिया और उस बैनामे का हिस्सा भी मृतक को नहीं मिला था। इसके लिए बार बार टूटता था, मृतक बार बार कहता था कि ये जो दूसरा बैनामा है गलत है, उसको वापस कर दो पैसे और जो न्यायालय का फैसला होगा जिसमें बात चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। इसी चीज़ से क्षुब्ध होकर आरोपी प्रदीप ने अपने एक साथी मायाराम जो कि हिस्ट्री शीटर है उसके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही साथ आला कत्ल जो सुआ था उसको भी बरामद किया गया, न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। देखिए मैं जैसा बताया आप लोगों को अभी ब्रीफ भी किया था कि मामला ये अनुमी था और इसमें हो सकता है कि प्रार्थना पत्र दिया हो, लेकिन इस घटना का बिल्कुल सफल अनावरण करके पुलिस टीम ने एक सराहनीय कार्य किया है और उसे गिरफ्तार किया है। इस पर कुछ पुरस्कार भी दिया गया सर? हाँ, इसमें 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा पुलिस टीम को। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।